लोग जो इस चैनल देख रहे हो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल। आप लोगों का बहुत ही प्यारा बहुत ही अपना चैनल जिसका नाम है मेड फॉर एसएससी। तो कल आ गया है सीएचएसएल 2020 का फाइनल रिजल्ट और जैसे होता है कि बहुत लोगों को नौकरी मिला है। जिन जिन लोगों को नौकरी मिला है मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। जिन लोगों को नहीं मिला है ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी कट ऑफ थोड़ा सा डिफर कर रहा है, ज़्यादा मार्क्स से डिफर नहीं कर रहा है। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली सेगमेंट होगा सीएचएसएल 2020 कट ऑफ एनालिसिस और सेकेंड पार्ट में सीजीएल 2021 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। तो अभी तक इस चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किए हो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हाई मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई हैव क्वालिफाइड सीजीएल 2 times 14 16 14। माई गॉट TSEBIC इन मुंबई, 16 माई गॉट CAG अकाउंटेंट इन कोलकाता मेरा होम स्टेट। मेरा मार्क्स क्रेडेंशियल्स आई बटन में है। कोई भी लोग CHSL का जॉब प्रोफाइल में जाने वाले हो, ये वीडियो देख रहे हो, सिलेक्टेड हुए हो कोई एक जॉब में, तो मेरा आई बटन में एक जॉब प्रोफाइल का प्लेलिस्ट है, वो जरूर चेक कर लो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो लोग भी CGL क्रैक किए हो अकाउंटेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे जाने वाले हो, पोस्टल इंस्पेक्टर में जाने वाले हो, क्या क्या जाने वाले हो, वो भी जॉब प्रोफाइल में वीडियो है। उसके साथ जॉब में घुसने से पहले कौन कौन सी चीज तुम्हें याद रखना चाहिए वो भी एक प्लेलिस्ट है, मैं आई बटन में शेयर कर देता हूँ। मेरा सोशल जो हैंडल्स है इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन टेलीग्राम, यहाँ पे लिंक्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, लिंक्स फ्लैश भी हो रहा है, जरूर जाके फॉलो करो मेड फॉर एसएससी का इंस्टा फेसबुक टेलीग्राम। अब बढ़ते हैं पहले स्टेज में। सीएचएसएल 2020 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। हाईएस्ट कट ऑफ जैसे हम लोगों को पता ही है बहुत ज़्यादा जाता है, तो यूआर के लिए 273, ओबीसी के लिए 270 और ईडब्ल्यूएस के लिए 266, जहाँ पे टायर थ्री मार्क्स जो देखने को मिला है जो जनरल कैंडिडेट डीओ एसएससी हेडक्वार्टर्स में डीओ में हाईएस्ट कट ऑफ लिया हुआ है, तो एक ही बंदे को लिया हुआ है यूआर में जिसका टायर थ्री का मार्क्स है 74 मार्क्स इन टायर थ्री इज अ प्रीटी बिग थिंग। तो अगर वो इस वीडियो देख रहे हो, तुम इस वीडियो देख रहे हो जो ये कैंडिडेट हो, यू मस्ट गो फॉर हायर एग्जाम्स, क्योंकि तुम्हारे पास एबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो यू मस्ट नॉट बी कंप्लेसेंट इन योर जॉब। लोएस्ट कट ऑफ जैसे हम लोगों को पता ही रहता है वो है पीएएसए का। पीएएसए में सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाता है हर साल, इस साल भी वैसा ही गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 208, एससी के लिए 199.5, एसटी के लिए 191.9, ओबीसी के लिए 220 और ईडब्ल्यूएस के लिए 222। यहाँ पे भी बहुत लोगों को 70 प्लस मिल रहा है टायर थ्री में, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग टू गेट। एंड इसके साथ पीएएसए का जो हाइस्ट वैकेंसीज रहता है यूआर का ही 1598, मतलब 1600 ही करीबन वैकेंसी पकड़ लो वो फिलअप किया हुआ है। लेकिन एक पॉइंट इससे भी ये है कि अब से सीजीएल 2022 से पीएसए इससे लिया हुआ जाएगा सीजीएल 2022 से। तो दिस वाज द फाइनल पीएसए सिलेक्शन ऑफ सीएचएसएल 2020। सीएचएसएल 2021 में शायद अगर पीएसए नहीं रहेगा इसलिए वैकेंसी घट जाएगा, वैकेंसी अगर घट जाएगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो जो भी लोग सीएचएसएल 2021 के प्रोसेस में हो, सीएचएसएल 2022 देने वाले हो, मेक श्योर कि पीएसए नहीं है तो आपको कट ऑफ बहुत हाई लाना पड़ेगा। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू मैनी कैंडिडेट्स जो पीएसए मिल जाए गया है। जिन लोगों के लिए पीएसए इज द बेस्ट पोस्ट फॉर CHSL 2020 CHSL पोस्ट, क्यों? यहाँ पे 2400 ग्रेड पे है तो करीबन 45K तो सैलरी बन ही जाएगा अभी। और उसके साथ घर में पोस्टिंग में भी एक बहुत अच्छा सुविधा मिलता है घर के पास। तो जैसे मैं पकड़ लेता हूँ, सॉरी ये EWS क्यों लिखा, ये UR में जिसको 222 कट ऑफ गया हुआ है, 222 में जिसको पकड़ लो 230 या 232 मिल रहा है, 10 मार्क्स भी ज़्यादा मिल रहा है, देन यू हैव वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग योर होम पोस्टिंग। अब सर्कल हो सकता है तुम साउथ कोलकाता से बिलोंग करते हो नॉर्थ में मिला, नॉर्थ कोलकाता से बिलोंग करते हो साउथ में मिला, लेकिन इन अ नटशेल यू हैव वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब इन योर होम सिटी और स्टेट वेदर इट्स एक्स वाई या जी। ठीक है, तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोस जो सीएचएसएल 2020 में सिलेक्ट हुए हो। अब जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा सीजीएल 2020 के बारे में। जो सीजीएल 2021 के बहुत ज्यादा मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर ये मार्क्स मेरा है, मुझे क्या ये मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सी पोस्ट मुझे मिलेगा कैसा मिलेगा, तो मैं उन सब लोगों के लिए बहुत बार नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो में भी मैं एक नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, नया पॉइंट्स जो पैरामीटर्स आप लोगों को याद रखना ही होगा बिफोर फाइनल सिलेक्शन, वो है
पैरामीटर जो है जो तुम लोगों को चेक करना ही पड़ेगा फॉर गोइंग इन टू द फाइनल सिलेक्शन स्टेजेस ऑफ CGL 2021 वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेड से लिख देता हूं, सबसे बड़ा पैरामीटर यही है, AIR ऑल इंडिया रैंक। दोनों टाइप का ऑल इंडिया रैंक होता है, एक है कैटेगरी और एक है जनरल। मतलब अगर आप SC से बिलोंग करते हो तो आपका अगर 200 SC में रैंक है तो ऑब्वियसली जनरल में वो करीबन 1000-2000 के रैंक होगा, लेकिन अगर 200 SC में भी रैंक है तो भी तुम्हें मिलने का बहुत अच्छा चांसेस होता है। कितना अच्छा चांसेस होता है वो मैं आई बटन में एक वीडियो शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे मैं रैंक वाइज डिटेल में शेयर कर दिया हो कि कौन सी रैंक में कौन सी पोस्ट मिलने का सबसे ज़्यादा चांस है डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, तो मैं आई बटन में शेयर कर देता हूँ, वो वीडियो ज़रूर जाके देखो। तो AIR इज मस्ट टू नो, जो आपको रैंक IQ से अभी तक तो मिलता है, बहुत लोग ने चेक भी कर लिया है, अगर आप अभी तक चेक नहीं कर किए हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर टू चेक इट। सेकेंड पॉइंट, प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस मतलब क्या, अगर तुम्हें 4600 या 4200 का कट ऑफ क्लियर हो रहा है तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग इन टू 2800 ग्रेड पे पोस्ट, क्यों, क्योंकि तुम्हें लग रहा है 2800 ग्रेड पे पोस्ट में मुझे होम पोस्टिंग मिल जाएगा, तो देन इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर प्रेफरेंसेस सेट कर लेते हो तो बहुत अच्छा होता है, तो फाइनल स्टेजेस में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो दिस इज द टाइम यू शुड सेट योर प्रेफरेंसेज अकॉर्डिंगली, ताकि बाद में कोई नो रिग्रेट, कोई रिग्रेट ना हो कि मैंने 4600 छोड़ दिया, 2800 ले लिया, अब क्या करूंगा ये करूंगा। मुझे जितना सुनने को मिल रहा है अभी CAG डिपार्टमेंट में जो सीनियर अकाउंटेंट का ग्रेड है वहाँ पे शायद 4200 हटा के 4600 बन रहा है, वो लोग बहुत सारे सेक्रेटरी लेवल में वो बात चल रहा है एसोसिएशन के साथ, बहुत मैसेजेस हम लोगों को आ रहा है, तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि नेक्स्ट प्रमोशन अगर आए तो 4600 ग्रेड पे मैं डायरेक्ट आ जाए। बट अगर तुम्हें डायरेक्ट 4600 मिल रहा है, मेरा एडवाइस ये होगा कि टेक इट इफ यू आर नॉट गेटिंग पोस्टिंग इन अ वेरी वियर्ड रीजन, लाइक यू बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ एंड यू आर गोइंग टू साउथ, और यू बिलोंग फ्रॉम साउथ यू आर गोइंग टू नॉर्थ, ऐसे अगर हो जाए तो मत लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है डाइवर्सिटी। बट अगर कहीं बीच में है कि कलकत्ता तुम्हारा घर है, झारखंड रांची मिल रहा है, या झारखंड रांची घर है, मध्य प्रदेश मिल रहा है, तो ले लो, क्योंकि कमिंग स्टेजेस में बहुत फ़ायदा मिलता है, हायर सैलरी में, हायर पोस्टिंग में, बहुत ज़्यादा पर्क्स भी मिलता है 4600 ग्रेड पे को। ये हो गया प्रेफरेंसेस। थर्ड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो बहुत लोग यहाँ पे बताओगे कि होप फॉर द बेस्ट, होप करो बेस्ट होने के लिए, बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हो सकता है इस साल ही किस किस पोस्ट का कट ऑफ ज़्यादा चला जाए, अगर जिसका मार्क्स बहुत अच्छा है उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को मिल जाएगा, लेकिन जिन लोगों का मार्क्स ब्रिम में है, डाइसी सिचुएशन में है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और फाइनल पॉइंट जो होगा ये CGL 2021 में, जो मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हो मेरा ये मार्क्स ये कैटेगरी में होगा, वो है नुआंसेस, प्रेफरेंसेज एंड नुआंसेस। ये क्या होता है, किसी किसी लोगों को लगता है कि मुझे SI CBN मिल रहा है लेकिन अच्छा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे 2800 ग्रेड पी चाहिए तो मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। तो किसी लोगों को लग रहा है TACBI से मिल रहा है लेकिन इन बहुत दूर मिल रहा है, मैं नहीं जाऊँगा, नेक्स्ट साल दे दूंगा, नेक्स्ट साल से मुझे अच्छा कोई जॉब मिल जाएगा। तो ये सब बहुत लोगों का प्रेफरेंसेस रहता है। मैं तुम लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि इस साल अगर जो पोस्ट मिल रहा है तुम लोगों के लिए वो ही ले लो, क्योंकि नेक्स्ट साल का गारंटी कोई नहीं लेता है, कब तक खत्म होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, वैसे भी नया पैटर्न चल रहा है, अभी टायर वन स्टेजेस चल रहा है CGL 2022 का। एंड अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए तो मत लो, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंटायरली, योर डिसीजन एंटायरली। बट मैं बोलूंगा कि कोई भी पोस्ट अगर मिल रहा है CGL 2021 में तुम्हें लग रहा है, मेरा बहुत सारा वीडियोज़ है, मैं धीरे धीरे इतना क्वेरीज मुझे मिल रहा है CGL 2021 के रिलेटेड, मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे और वीडियो लेके आऊँ जहाँ पे क्वेरीज में डिटेल में रिजॉल्व कर पाऊँ। बट मेरा एडवाइस ये है कि टेक इट, जो भी पोस्ट तुम्हें मिल रहा है टेक इट एंड देन ट्राई हार्डर, नेक्स्ट साल हार्डर ट्राई करो, क्योंकि अगर कोई भी जॉब नहीं है देन यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू चूज, बट अगर जॉब मिल गया, पैसा आ रहा है, फिर यू कैन चूज कि ये नहीं वो चाहिए, वो नहीं वो चाहिए, वो नहीं वो चाहिए,
बट कुछ भी नहीं है, फिर भी छोड़ दे रहे हो क्योंकि मुझे लगता है मेरा अच्छा है, नेक्स्ट साल हो ही जाएगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। दिस इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। तो आज का वीडियो यही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। अभी तक ये चैनल देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। अगर हेल्प हुआ तो जरूर वो कमेंट में मुझे अपना फीडबैक बताना। और कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग CHSN 2020 एंड CGL 2021 तो मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। सी इन द नेक्स्ट वीडियो में गाइस। कोई भी डाउट्स है यू नो वेयर टू मैसेज। मेड फॉर SSC का फेसबुक, इंस्टा, टेली सब का लिंक फ्लैश भी हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है। आ जाओ, बात करेंगे, अपना डाउट्स और क्वेरीज सॉल्व करेंगे। मिलते रहेंगे ऐसे नया वीडियो में। अंटिल देन टाटा, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, सी या इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप ऑन कमेंटिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, एंड अगर वैल्यू मिल रहा है इस वीडियो से तो ज़रूर अपने वैसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जिनका ये बहुत ज़रूरत है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अंटिल देन टाटा, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।